तो आज की जो हमारी ये क्लास है ये बेसिकली मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ 5 दिसंबर 2021 के समाज कार्य के विगत वर्ष प्रश्न पत्रों पर। और इसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन आईडी है, यहाँ पे जो लिखा हुआ ये क्वेश्चन आईडी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 71 के आसपास आएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, देखिए सवाल क्या कहता है। कहता है कि केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि, आपके सामने यहाँ पर, फिर उसके बाद क्या निर्णय दिया था, ये निर्णय जानना अत्यंत आवश्यक आप सबके लिए होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर होगा, प्रश्न को फिर से ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया, अब वो निर्णय कौन कौन से हैं ये आपके पॉइंट में मिल रहे हैं। पहला आपके सामने कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसूची 10 में दी गई जानकारी को नहीं बदला जा सकता है। ये तो गलत है भाई। केशवानंद भारती वर्सेस भारत संघ की अगर मैं बात करता हूं तो 1973 का है, जो रिलेट कराता था मूल अधिकारों को लेकर, है ना। उसके प्रतिक्रियाओं में इसका जिक्र देखने को मिला। न्यायालय ने ये यह भी मानना था कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है और इसे संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से संसद द्वारा छीना नहीं जा सकता है। इन सभी चीज़ों पर जो है जिक्र किया गया था केशवानंद भारती वर्सेस भारत संघ वाले मामले में। हालांकि केशवानंद भारती मामले की उत्पत्ति बेसिकली सन 1950 में हुआ था और 1960 के दशक में भारतीय राज्य केरल में शुरू किए गए भूमि सुधारों से जुड़ी थी, तो उस प्रक्रिया में भूमिका बनेगी। सन 1963 में केरल सरकार ने केरल भूमि सुधार अधिनियम पारित किया, जिनसे एक व्यक्ति के पास भूमि की मात्रा पर एक सीमा निर्धारित की और इसी अधिनियम में भू स्वामियों से अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने और भूमिहीनों और गरीबों में इसके वितरण के प्रावधानों को जिक्र किया गया था। परंतु 24 अप्रैल सन 1973 की बात है, केशवानंद भारतीय निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह मामला केरल के एक हिंदू धार्मिक मठ के प्रमुख श्री केशवानंद भारती द्वारा दायर की गई थी, जिसमें भारतीय संविधान के 24वें, 25वें और 29वें संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी, जिसका उद्देश्य, ध्यान से सुनिएगा, न्यायपालिका की शक्तियों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम करना था। तो इस प्रक्रिया में पहला पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुसूची 10 में दी गई जानकारी को नहीं बदला जा सकता है, यह स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा कहता है कि मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों को नहीं बदला जा सकता है, यह बात सत्य है, यह निर्णय लिया गया था और उस समय केशवानंद भारती मामले की सुनवाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों की पीठ ने की थी। भारतीय कानूनी इतिहास की सबसे बड़ी पीठ में से एक बन गई है। मुख्य न्यायाधीश एस एम सिकरी थे, हालांकि ये सब पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि कौन थे, परंतु ये चीज़ें ध्यान रखें, 13 सबसे बड़ी ये जो पीठ थी और इसके अंतर्गत ये बी वाला पॉइंट आपका सत्य है। फिर कहता है संविधान की बुनियादी ढांचा अनुलंघनीय है, इसमें संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। अभी मैंने शुरुआत में बोला था आपको, इसका मतलब है कि ये भी सही है, बी प्लस सी। क्या ऑप्शन में कहीं पर है बी प्लस सी? हाँ, ऑप्शन फोर्थ में है। क्या मेरी आवाज़ आप सबके पास पहुंच रही है? यस सर। जी सर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फोर्थ इज द राइट आंसर होगा, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने और बहुत ही आसान सा सवाल, 42 अमेंडमेंट आ गया है आपके सामने,
आप आसानी से बता दोगे, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में शामिल किए गए थे नए शब्द, उन शब्दों को आपको बताना है, प्लीज बताइए। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। भारतीय संविधान के BOD शामिल किए गए नए शब्द, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो प्रस्तावना में भी ये संशोधन किया गया और भारत का विवरण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया। राष्ट्र की एकता शब्दों को भी देश की एकता और अखंडता में बदल दिया गया, जैसा कि आप सबको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, क्या बता सकते हैं? एक और जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, 10 मौलिक कर्तव्यों की सूची को संविधान में शामिल किया गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 का है सर, उसमें एक जोड़ा गया था जी सर, है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा इसके अंतर्गत। परंतु इस सवाल के अगर मैं आप लोगों से जवाब की बात करता हूं तो आप ध्यान सुनिए, क्या आप यहां पर बात को समझिएगा, इस प्रश्न के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष को जोड़ेंगे? बिल्कुल। और फिर क्या आप समाजवादी को जोड़ेंगे? बिल्कुल। मैंने आपको पंथ निरपेक्ष को रिलेट कराता हूं धर्मनिरपेक्ष से, अखंडता रिलेट कराता हूं ए से, और एस रिलेट कराता हूं समाजवाद से या समता से। अखंडता तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो यहाँ पर बी और ई आपका करेक्ट होना चाहिए या नहीं करेक्ट होना चाहिए? जी सर, करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर अगर आप बोल रहे हैं समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को रिलेट कराता है 42वां संविधान संशोधन, सही बात है। अगर मैं बात करता हूँ इसके अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन, इसे इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अधिनियमित किया गया था। प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, किसको? 42वां संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जानते हैं हम लोग? लघु संविधान के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही आपने सोचा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे जो बेसिकली मूल रूप से जाने जाते थे। और आपका जो 2002 में हुआ 86वां वाला, 6 से 14 वर्ष की आयु की सभी बच्चे, सॉरी वो तो आपका 51 का आ जाएगा, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे होंगे उनके लिए शिक्षा का अधिकार और मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया था, वो पार्ट बनेगा। 46वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से ये भी कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये भी बात की गई थी। और मैं आप सबसे कहूंगा कि ऑप्शन आप यहां पर देखिए, कहीं बी और ई लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन सी में, यानी थर्ड। अगला सवाल, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने सवाल, रंग राजन समिति विनिवेशन समिति है सरकार द्वारा सन 1993 में आई थी, बता सकते हैं यहाँ गरीबी का मापन, गरीबी का मापन था रंगराजन समिति, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर रंगराजन समिति गरीबी से संबंधित बताया है तो आपने करेक्ट बताया है, क्योंकि ये व्यय आधारित गरीबी दर से परे जाकर वंचन के व्यापक बहुआयामी दृष्टिकोण की संभावना की जांच का अवसर के बारे में जिक्र करती है। और गरीबी दर से बेसिकली जो भी भूमिका बनती है इसी परिप्रेक्ष्य में बनता है। और योजना आयोग के द्वारा ग्रामीण जो क्षेत्र थे उनमें प्रतिदिन 22 रुपये की गरीबी रेखा को सुझाने पर राष्ट्रीय आक्रोश की पृष्ठभूमि में समिति का एक गठन किया गया था, उसी प्रक्रिया में रंग राजन समिति की भूमिका बनती है, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और 1922 की ये जी आई कब थी रंग राजन? देखिए बेसिकली विनिवेशन के संदर्भ में सिफारिश करने के लिए सरकार ने सन 1993 में गठन किया था, 93 में। 2014 में सरकार ने गरीबी के आकलन के लिए
रंगराजन समिति की बात मैं कर रहा हूँ, तेंदुलकर समिति कर कार्य प्रणालियों की समीक्षा करने और आदेश के और देश के गरीबों की संख्या पर अस्पष्टता को दूर करने के लिए रंगराजन समिति को बेसिकली गठित किया गया था। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे दो तथ्य आपके सामने मिलते हैं और दोनों तथ्य आप सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, दोनों के दोनों। तो सी रंगराजन समिति 2014 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे 32 रुपये से कम खर्च करने वाले शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में कितना 47 रुपये से कम खर्च करने वाले जो लोग आते हैं वो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं और गरीबी का मापन हो गया। और ये श्री रंगराजन की समिति, तो यहाँ पर बात बनेगी 2014। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताया है, 1993 ग्रामीण में 32 आना सर। हाँ 32 रुपये 32, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से चीज़ें नोट करते रहेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। और सन 1993 की बात करता हूँ, यह विनिवेशन के संदर्भ में सिफारिश करने की सरकार के द्वारा 1993 में गठित की गई थी इस समिति। ये समिति बेसिकली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को पहले चिन्हित करती थी यहाँ पर, ठीक है। इसके अंतर्गत चार तरीके थे, जैसे एक व्यापार बिक्री करना, रणनीतिक बिक्री करना, शेयर यानी स्टॉक होल्डर को पेशकश करना, परिसंपत्तियों का समापन या बिक्री करना, उस संदर्भ में आता था 1993 का। बलवंत राय मेहता समिति, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, एक और एक इंडिविजुअल के रूप में ये सवाल आ सकते हैं, फैक्ट के रूप में भी आ सकता है, यहाँ सुमलित के रूप में है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज। अगर आपने पंचायती व्यवस्था को अध्ययन करने के लिए सन 1957 में बलवंत राय समिति का गठन किया गया, बलवंत राय समिति का गठन किया गया 1957 में 6 जनवरी को, तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ लागू 1 अप्रैल 1998 को हुआ था, 1958 को हुआ था, ठीक है। फिलहाल इस परिपेक्ष से अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो आपने जो जवाब मुझे यहाँ पर दिया पंचायती राज करेक्ट दिया है, गलत नहीं है। पंचायती व्यवस्था का अध्ययन करने के परिपेक्ष में 1957 में बलवंत राय समिति ही का ही गठन किया गया था, और बात सत्य है। आपको बता दें, आपने एक नाम सुना होगा आर्टिकल 40 के बारे में, 40 जी सर, आप पंचायतों का गठन, राज्य की जिम्मेदारी है कि वह ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाए, लेकिन ग्राम पंचायत के स्थगन के लिए कोई प्रावधान बेसिकली नहीं था। तो इस प्रकार इस मामले पर अगर मैं बात करता हूँ, तो औपचारिक गठन और संगठन की सिफारिश सबसे पहले बलवंत राय समिति 1957 के द्वारा की गई, ठीक है। और इसमें जनतांत्रिक और विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज के रूप में जाना गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान 2 अक्टूबर का नाम, राजस्थान 2 अक्टूबर 1959, नागौर जिले से, बिल्कुल नागौर जिले में, बेसिकली ये राजस्थान नागौर जिला। तो ये पहला एक जिला था जहाँ पे पंचायती राज को स्थापित किया गया था, बिल्कुल आपने सही बताया है। इसमें गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय प्रणाली है, इस चीज को आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना जी सर, बताइए। हाँ सर, क्लास चल रही है। तो त्रिस्तरीय प्रणाली है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? एक आपका गांव आ जाएगा, दूसरा आपका बेसिकली ब्लॉक आ जाएगा, तीसरा आपका जो है जिला आ जाएगा। ये त्रिस्तरीय प्रणाली का नाम देखने को मिलता है। इसमें ग्राम स्तरीय पंचायत के प्रत्यक्ष चुनाव की सिफारिश की गई है, प्रत्यक्ष चुनाव, देखो कितना फैक्ट दे रहा हूँ आपको, प्रत्यक्ष चुनाव। और ये आपको बता दूँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जो चाहे वो DSSB हो, चाहे UGC नेट हो, कोई भी एग्जाम है, उनमें ये सवाल जरूर पूछ जाते हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे, और अगला सवाल हमारे सामने प्रस्तुत है, क्या है? कस्तूरी रंजन समिति, नई शिक्षा नीति। कस्तूरी रंजन समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताया है ना, रंजन समिति। और इसके अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करता हूँ सभी लोगों से, ठीक है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। कस्तूरी रंजन समिति 2019 में, मुझे उम्मीद है कि आप सबको मालूम होगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। आपको बता दें कि यह ड्रॉप्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो 2019 की है। अभिगम्यता, निष्पक्षता, गुणवत्ता, वाहन योग्यता और जवाबदेही के आधारभूत संरचना पर यह बनी हुई है।
समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको आप MHRD कहते हैं, इसका नाम बदलकर, आप लोगों ने भी हाल ही में 2019 में नाम सुना भी है, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है कि नहीं? सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, है ना? तो इस प्रक्रिया में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में कस्तूरी रंजन समिति को लेकर, ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर जवाब देंगे फोर्थ वाले को। स्वामीनाथन आयोग के बारे में मुझे उम्मीद है आप इसके बारे में भी जानते ही होंगे। स्वामीनाथन आयोग 2004 के बारे में क्यों? साल 2004 में केंद्र सरकार ने देश के किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने को लेकर बात कर रहा था, तो वहां पर पैदावार स्वामीनाथन से ही संपर्क साधा गया था, तो उसकी अध्यक्षता में एक कमीशन बना जिसे स्वामीनाथन आयोग कहा गया या उसके नाम से जाना गया, ठीक है। तो ये प्रक्रिया बेसिकली कमेटी ने साल 2006 में अपनी एक रिपोर्ट सौंपी, इसमें कई तरह की सिफारिशें भी की गई थी। तो बेसिकली यहाँ पर जो मुख्य भूमिका बनाई गई थी वो कृषि क्षेत्र से संबंधित थी, और सन 2004 का नाम बेसिकली शामिल होता है, नवंबर 2004। नेशनल कमीशन ऑन फॉर्म्स का नाम भी दिया गया था स्वामीनाथन आयोग को, ठीक है। इस प्रक्रिया में आप ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति के जनक और महान कृषि वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा स्वामीनाथन, स्वामीनाथन का ही नाम देखने को मिलता है। बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं यहाँ पर, और सही ऑप्शन का भी यहाँ पे चुना हुआ है, तो जरा एक बार बताइए क्या ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, प्लीज। यस सर, डी का एक है। आगे बढ़ते हैं, पूर्व से वर्तमान मतलब पहले से अब तक, पहले से अब तक, कहता है क्रम में लगाना है पुस्तक का प्रकाशन और व्यवस्थित करना है। भाई अगर आपको पता है वर्ष तो पता आप इजीली कर सकते हो, द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस आर के मार्टिन की किताबें तो याद ही कर डालो, सही बता रहा हूँ, 1962। दास कैपिटल आपको तो याद होना चाहिए ही, 1867। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी की अगर मैं बात करता हूँ, एमिल दुर्खिम का नाम आता है 1893। मेड्राइन जो है, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ मेड्राइनाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, योगेंद्र सिंह का नाम सन 1973। कम्युनिटी एंड सोशियोलॉजिकल स्टडी, मैकाइबर का नाम आता है सन 1971 होगा, 72 है सर, 2 है नहीं, 71 तो मुझे तो याद है भाई। चलो फिलहाल एक बार इसको लगाइए आप, मैं तब तक चेक कर लेता हूँ, प्लीज बताइए ऑप्शन लगाइए क्रम में, पहले से प्लीज बताइए बताइए। एक दो चार चार पाँच और फिर चार और फिर तीन, थर्ड ऑप्शन। अच्छा सर, फर्स्ट में 1962 लिखा है ना, एक मिनट, 72 बता रहे हैं, कम्युनिटी वाला बता रहे हो आप लोग, कम्युनिटी ऑफ सोशलाइजेशन स्टडी ना? जी सर, जी सर, मैं हाँ सर, कम्युनिटी ऑफ सोशियोलॉजिकल स्टडी में काइबर का नाम आ रहा है, रॉबर्ट मॉरिशंस मैकाइबर 70, यहाँ पर ना ये आपका जो होगा ना 1917 होगा, 1917 होगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट माना जाएगा। रॉबर्ट नाम क्या आता है इनका पूरा नाम, रॉबर्ट मॉरिशन मैकाइवर, ये नाम है पूरा इनका, ठीक है,
1917 आएगा। अब लगाइए, जरा लगा के दिखाइए एक बार, क्रम लगाइए। मैं लगाऊं? सेकंड ऑप्शन नहीं होगा सर इसमें। पहले नंबर पे सबसे पहले कौन सा आया था? 1860 ये आया था, बी आया था, दास कैपिटल, दास का सबसे पहले बी आया था। बी के बाद आपका 1893 आएगा, यानी सी आया था। सी के बाद आपका क्या आ जाएगा? 1917, है ना? बोलो यस या नो। उसके बाद आप बताइए जरा, आपका ए आ जाएगा, हाँ। उसके बाद आपका डी। अगर मैं 71 करता या 72 करता, गलत हो जाता है ये ऑप्शन, है ना? है कि नहीं, गलत होता कि नहीं होता, बताइए जरा। कहीं देखिए मुझे ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड जाएगा, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर आप 71 भी लगाते सर तब भी गलत हो जाता, और अगर आप 72 भी लगाते तब भी गलत हो जाता, है ना? यस। तो आप अब इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसका जो सही ऑप्शन माना जाएगा वो आपका 1917 माना जाएगा। हालांकि मुझे 17 के बजाय शायद मैंने नंबर आगे पीछे कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। आगे बढ़िए। आत्म विकास के लिए मास्टर मैनेजर में होना चाहिए, आत्म विकास के लिए मास्टर मैनेजर में होना चाहिए। ये देखो सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, बताइए सर। ऑप्शन दिखा दीजिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। ये रहा सर ऑप्शन सी, दूरदृष्टि पे। पहले आप इसकी इंग्लिश देखें एक बार। अब देखिए इंग्लिश। यस सर, विजन ड्राइवन। आपके सामने ये जो सवाल दिया हुआ है, एक प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ आपसे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में बातचीत कर रहा है ना, ये जो सवाल बी एंड सी, और आपने बताया है कि बी एंड सी। देखिए ये आपको बता दूं मैं, यह एक प्रकार का ना स्वयं प्रबंधन कौशल है। इस पर अपनी उत्पादकता और प्रदर्शन को बढ़ाता है, आपकी उत्पादकता और प्रदर्शन को बढ़ाता है, जो व्यावसायिक लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है, है ना? व्यावसायिक लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या करता है? मदद करता है। तो यही मास्टर मैनेजमेंट है। तो बेसिकली स्व प्रबंधन कौशल लोगों को विभिन्न स्थितियों में अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित और विनियमित करने की अनुमति देता है। इस शब्द में इसका नाम देखने को हमें मिलता है। तो इसके अंतर्गत कुछ कौशल होते हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है एक पॉइंट, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं शक्ति प्रेरित दृष्टिकोण, ठीक है, और उसके बाद प्रॉब्लम ड्राइव। अगर मैं बात करता हूँ ड्रिवन, ड्राइवन मतलब होता है एक प्रकार से प्रेरित, ड्राइव बोला जाता है इसको। एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण या मनोवृत्ति, विजन आपको फिर उसके बाद दिया गया है। यहाँ जो विजन ड्राइव है, जो विजन ड्राइव है ये आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर विजन ड्राइव जो आपका है ये इसमें आत्म प्रेरणा अगर ऑप्शन में आता तो करेक्ट हो जाता, जवाबदेहिता अगर ऑप्शन में आता तो करेक्ट हो जाता, अनुकूलनशीलता अगर आता तो करेक्ट हो जाता, ठीक है। ये चीज़ें बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया है, इनमें से आप लोगों को यही ऑप्शन बनाता है। यहाँ तो विजन लिखा था, विजन का मतलब होता है दृष्टि, और दृष्टि दूरदृष्टि प्रेरित दृष्टिकोण की बात अगर मैं करता हूँ आप लोगों से, तो ऑप्शन आपका क्या यहाँ पर माना जाएगा? केवल सी। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ना? डी में लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ बताइए। फोर्थ वाला लिखा है सर, तो इसलिए फोर्थ वाला आपका सही होगा, इसलिए आपका फोर्थ वाला यहाँ पर सही होगा।
सर इसका बी और सी भी तो हो सकता है। बी और सी, बी और सी समस्या, वो बी देखो समस्या प्रेरित दृष्टिकोण, समस्या प्रेरित दृष्टिकोण मतलब एक प्रकार का एटीट्यूड है। क्या आप एटीट्यूड जो प्रॉब्लम ड्राइव होगा उसको आप बढ़ावा देंगे? नहीं सर, प्रॉब्लम ड्राइविंग मतलब सॉल्विंग वाले क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं ना। अरे ड्राइव का मतलब सॉल्विंग थोड़ी होता है, ड्राइव का मतलब उत्तेजित करना, बढ़ावा देना, उद्वेलन, प्रेरित जैसी क्रिया, मोटिवेशन का पार्ट है ये ड्राइव। ठीक ठीक है सर। शक्ति मतलब क्या होता है कि पावर, आपको ऐसा नहीं कि आपको चाहे, यहाँ देखो सवाल में तो अधूरा है, चाहे वो मानसिक रूप से पावर दे रहा है या शारीरिक रूप से पावर दे रहा है, किस रूप से दे रहा है शक्ति पावर, तो इसका तो जिक्र ही नहीं होता। देखने का पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया देखने का वो मोटिव करता है, वो मैनेजमेंट होता है मास्टर। देखने का पॉइंट ऑफ व्यू, अनुकूलन प्रक्रिया भी होती है, वो चीज़ें होती है। केवल केवल आपका सी होगा। ग्रुप्स दैट कैन बी, यानी समूह जो सामाजिक समूह कार्यकर्ता द्वारा बनाया जा सकता है। आपके सामने सवर्ग समूह, उपचारी समूह, समृद्धि समूह, कार्य समूह, जातीय समूह, इसकी एक बार इंग्लिश भी देखना आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब देखिए ग्रुप दैट कैन बी फॉर्म बाय सोशल ग्रुप वर्कर, तो आपका काम तो रेडिकल होगा, चलो ठीक है, ग्रोथ करना होगा, ठीक है, टास्क वाला होगा, काम करोगे नहीं, ना ही क्लास नहीं पर, ये तो भेदभाव वाला काम हो जाएगा। तो केवल बी सी डी बी सी डी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न है ना, और आपका बन जाएगा यहाँ पर बी सी डी, किस ऑप्शन में है बी सी डी, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी में दिया गया, सही बात है, बोलिए। जी सर, यस सर, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, रुक करेंगे। आपके सामने यहाँ पे मैं ग्रुप वर्क का मॉडल पढ़ा चुका हूँ, यदि आप लोगों ने क्लास लिया होगा तो आप आसानी से इसका जवाब भी बता सकते हैं। प्लीज़ एक बार जवाब दीजिएगा कि उपचारात्मक जो मॉडल है ना, वो किसके द्वारा दिया गया है? आर डी विंटर के द्वारा, आर डी विंटर सन 1957 में आया था ना। जी सर। अच्छा, उसके बाद अननोन मतलब क्या था, ये रेसिप्रोकल मॉडल है। जी सर। स्वाटर्स का नाम कहाँ पे, डब्ल्यू स्वाटर्स सामने 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 सर। और विकासात्मक में क्या जाएगा आपका, डेवलपमेंटल है ये, जो है लॉवी का नाम, और ये 1955 में आ जाएगा। स्वाटर्स ने कब दिया था? 1961 में। हाँ, सामाजिक लक्ष्य का मॉडल तो पापेन एंड रोथमैन का नाम आपने पढ़ा है, सामाजिक लक्ष्य का मॉडल। लेकिन यहाँ पे अगर आपके सामने गेसल महोदय का, गेसल कोनफका का नाम आ रहा है, विंस का नाम आ रहा है, तो भी आपका यहाँ पे करेक्ट है, सन 1966 है ना, 1966। और मनोचिकित्सा का मॉडल अल्पोर्ट का नाम आ जाएगा, किसका नाम आ जाएगा, अल्पोर्ट। ठीक है, अच्छा जरा जवाब बताइए ऑप्शन में, अच्छा ए बी सी डी सब सामने सामने ही है तो है, यही है ऑप्शन, पहला ही करेक्ट हो जाएगा है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नांकित में से कौन अस्वीकृति की अवस्था है, सॉरी स्वीकृति, अस्वीकृति नहीं है, स्वीकृति है, अनुमोदन है, स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस, आपको बताना है स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में। सर तालमेल, सर तीनों, सर बी और सी, सर तीनों। स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ आप सबसे, तो यहाँ जैसे ध्यान देने वाली बात है, कुछ बी सी कीवर्ड्स हैं जो साइक्लिन में चलता है, और मैं आप लोगों को वो चीज़ें नोट भी करवाना चाहूँगा। कुबलर रॉस का नाम सुना है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कुबलर रॉस का नाम सुना है,
पांच अवस्था यस सर जन्म की पांच अवस्था दी है दुखी किसकी किसकी नहीं सॉरी दुख के पांच चरण बताया दुख के पांच चरण बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो यहां पर आपका बनता है एक इनकार सर स्क्रीन नहीं दिख रही स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है हेलो नहीं दिख रही सर मुझे सर आ रही है एक्सेप्ट करके वापस ज्वाइन करना तो डिस्टर्ब ना दिखाई दे रहा है इनकार एक आता है क्रोध एक आता है अवसाद क्रम में बता रहा हूँ एक आता है सौदेबाजी एक आता है स्वीकृति ठीक है स्वीकृति ए बी सर ए बी आपका बता रहे हैं लेकिन देखो यहाँ पे जो अगर मैं इंग्लिश देख लीजिएगा एक बार यहाँ पे ठीक है देखिए डेनियल मतलब क्या हो जाएगा इनकार सर डिनाइल हाँ इनकार हो जाएगा क्रोध और बार्गेनिंग और इसका सौदेबाजी बार्गेनिंग भी होगा तीन हो जाएगा तीन हो जाएंगे सर तो अब तो द साइकिल आप एक्सेप्टेंस तो पढ़ लिए होंगे है ना है भूमिका बनती है ठीक है और इसे फाइव स्टेज ऑफ ग्रीफ भी कहा जाता है और यहाँ पर ए बी सी जहाँ पे मिले उसको लगा दीजिए ए बी आपको आ रहा है ए सी आ रहा है ए बी सी ऑप्शन नंबर थर्ड सर ग्रीफ बोला आपने फाइव स्टेज ऑफ ग्रीफ 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 जी आर आई ई एफ ठीक है बस इतनी बातें आपको इसके अंतर्गत ध्यान में रखना होगा सर दिया कब था ये पर्टिकुलर कोई वर्ष यहाँ पर बेसिकली मेंशन नहीं किया गया है हाँ ये डेवलप कब हुआ है इसके बारे में स्टेजेस को लेकर ठीक है कुबेर के द्वारा परंतु ये स्टेजेस ध्यान जरूर रखिएगा आप लोग ठीक है इन्होंने जो है जिक्र किया है इसमें सर इसमें तो फर्स्ट ऑप्शन में अस्वीकृति लिखा है ना और जो इन्होंने पांच जो चरण बताया उसमें स्वीकृति है पांचवें नंबर पे तो फर्स्ट कैसे आएगा फिर पहले में इनकार अस्वीकृति पहले में इनकार आ गया ना ओके ओके डिनायल हो गया कहाँ थे पहले ये बताओ तो कहाँ गए थे अभी इंग्लिश में दिखाया था और मैंने लिखा भी था सर हो जाता है कभी कभी कहाँ थे बताओ इधर ही थी सर इधर ही सुन रही थी अरे ऐसे ही हैं ऐसे ही सुन रहे थे झूठ बोलते हो चलो आगे देखो अगला सवाल स्वतंत्र भारत के प्रथम समाजकार्य विद्यालय यानी विभाग की स्थापना हुई कहाँ थी बताइए जरा दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल काशी काशी में चलो फिर भाई मैं भी काशी में चलता हूँ और आप सबको पता होना चाहिए कि काशी विद्यापीठ की बात अगर मैं कर रहा हूँ समाज कार्य विभाग की तो 1947 होता है सर दिल्ली वाला तो 1946 है ना तो वो होना चाहिए ना सर ऑप्शन सही अरे इसमें बोला क्या है भाई ये तो सुनो स्वतंत्र भारत के प्रथम समाज कार्य विद्यालय स्वतंत्र आप स्वतंत्र होने के बाद ना तो 46 में कहाँ स्वतंत्र हुआ था ऐसे ही सवाल करोगे पेपर में तो हो गया काम फिर तो ये स्वतंत्र भारत पूछा तो इसलिए 47 आएगा आपका यहाँ पे गुजरात दिल्ली जो आपको 46 में स्वतंत्र नहीं हुआ सर वो समय और गुजरात की बात करता हूँ तो गुजरात तो आपको मालूम है स्वतंत्रता के बाद ही है लेकिन ये कब बड़ौदा 1950 सर हाँ 1950 और टाटा इंस्टीट्यूट कब सर 1936 आगरा 1957 सर 1955 मद्रास चेन्नई 1952 बहुत बढ़िया सही जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड आपको करना
थर्ड वाला। एक और सवाल, सामुदायिक संगठन या समुदाय संगठन विधि का उद्देश्य बताना है। समुदाय संगठन विधि का उद्देश्य क्या हो सकता है भाई? विधि आसान सा सवाल है। देखो, बदलाव लाने के लिए लोगों को नियुक्त करोगे, यस या नो? करना पड़ेगा। यस सर। बदलाव के नेतृत्व के लिए लोगों को संगठित करोगे कि नहीं करोगे, बताइए कम्युनिटी में? करेंगे। कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना समुदाय संगठन की विधि कहलाएगी, यस या नो बताइए? कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना सर होगा ना सर? अच्छा ये बताओ, समुदाय संगठन करता है ये कि कल्याण योजना? वेलफेयर केंद्र आ जाएगा सर, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव करेगा ये। तो फिर ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, ऐसे मत ऐसे करिए, है ना? कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित किया है भाई, वेलफेयर योजना वगैरह आ जाते हैं इसमें, इसमें अलग भूमिका बनेगी, ये तो संगठन है ना कम्युनिटी का। जन समूह को ढांचागत परिवर्तन करने के लिए गोलबंद करना, गोलबंद कितने लोग जानते हो भाई? गोलबंद करना कितने लोग जानते हो बताइए? गोलबंद हड़ताल वाली वो, जो समूह से जो समूह में घिरा हो, घेराबंदी? अरे नहीं, वो अलग है। जो समूह में घिरा हो मतलब डिस्कशन हो रहा है ग्रुप में, ऑर्गेनाइज करना। आप एक प्रकार से ऑर्गेनाइज ना कहें, है ना, गोलबंद को। गोलबंद एक ऐसा शब्द है बेसिकली, अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, चलिए एक बार इंग्लिश डिस्कशन को दर्शाने की बात कर देता है, है ना, एक प्रकार से डिस्कशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोबिलाइजिंग, शब्द लिखा हुआ है मासेस फॉर द स्ट्रक्चर चेंज, है ना, स्ट्रक्चर चेंज। देख लीजिए इंग्लिश भी दिख रहा है सर, देख लिया तो ये बन जाएगा, परंतु मैं कहूंगा कि डी वाला नहीं होगा, डी वाला नहीं होगा। जन समूह को ढांचागत परिवर्तन करने को बोला है कि भाई गोलबंद होना चाहिए, है ना, जो कि ये पार्ट आपको रिलेट नहीं करता है, केवल केवल ए और बी रिलेट करता है बस, इसमें कम्युनिटी संगठन का विधि में। और ए और बी केवल आपका ऑप्शन नंबर पहले दिया गया, इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि पहले वाले ही ऑप्शन का चुनाव कर लीजिए आप लोग, यही सही है। समाज में सामान्य रूप से विचलन और विशेष रूप से अपराध को नियंत्रित करने के लिए निवारक और उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाओं के संपूर्ण दायरे को क्या कहा जाता है? आसान सवाल है, समाज में अगर सामान्य रूप से विचलन है, विशेष रूप से अपराध को नियंत्रित कर रहे हो, रोकथाम कर रहे हो, उपचार दे रहे हो, पुनर्वास कर रहे हो, तो बताइए संपूर्ण दायरे को क्या नाम दोगे? सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी सोशल सामाजिक सुरक्षा सामाजिक रक्षा ना रक्षा सामाजिक रक्षा रक्षा मतलब प्रतिरक्षा का एक प्रयोजन है, रक्षा सामाजिक दोषों में समाज के रक्षा करना है, जो कानून भंग करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके प्रति कार्यवाही करने को लेकर रिप्रेजेंट करता है। बाल अपराध या अपराध के निवारण या नियंत्रण या कारागार में कल्याण जैसे सेवाओं को मुक्त देखभाल वाली प्रक्रिया जो रिप्रेजेंट करता है, वो कहीं ना कहीं सामाजिक रक्षा का या सोशल डिफेंस को रिलेट कराता है। सोशल पॉलिसी मतलब सामाजिक नीति घोषित सामाजिक उद्देश्यों को क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करने में सहायता जो करता है, जहाँ पर संसाधन और पद्धतियों का रणनीति वगैरह बनाई जाती है, वो सोशल पॉलिसीज होती है। और सामाजिक, मैंने आपको पहले बता रखा है, सामाजिक नीति की बदलने की जो प्रक्रिया है वो समाज कल्याण प्रशासन होती है, ठीक है, ये अलग प्रोसेस है। सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी, ये सामाजिक सुरक्षा योजना एक सामाजिक बीमा योजना है जो व्यक्ति को संकट के समय में अथवा उस समय जब उसकी कमाई कम हो जाए, मृत्यु दर व विवाह में होने वाले अतिरिक्त जो व्यय होते हैं, उस दौरान पर हम लोग जो बेसिकली सामाजिक सुरक्षा जैसी भूमिकाओं को रिप्रेजेंट करते हैं एक प्रकार से सिक्योरिटी के रूप में। एक सामाजिक कल्याण सोशल वेलफेयर का पार्ट आता है, जैसा कि आप सबको मालूम है कि नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक समर्थन देना समाज कल्याण कहलाता है, और ये बात आप सबको पता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला होगा, यानी एक वाला ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। आगे आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था।
स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो 1947 में आया था। आयुष्मान भारत योजना कब आई थी? 23 सितंबर 2018 को आया था। राष्ट्रीय वयोश्री योजना की बात करता हूँ, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा आया था। इसका नाम बेसिकली 1998 में बदला था, है ना? इसका नाम पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय था। हाँ, तो इसी का नाम बदला है ना, सशक्तिकरण मंत्रालय किया गया 1998 में। बता रहा हूँ, ये 2017 में आया। कब आया था? 2017 में आया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये योजना है या नहीं, बताइए? सामाजिक न्याय, यस सर। हाँ जी, वरिष्ठ सशक्तिकरण। मेरी आवाज क्लियर है? एक बार स्पष्टीकरण करिएगा एक बार आप लोग, अभी तक आवाज क्लियर? जी सर, आवाज आ रही है। उस्ताद बताइए, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय होगा ये? उस्ताद, अल्पसंख्यक कहाँ पे है तो ये राज्य? जी सर, जी सर। अल्पसंख्यक बेसिकली अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये 29 जनवरी 2006 को आया था। और उस्ताद कब आया था? 14 मई 2015 को। 2015 को राष्ट्रीय शिशु सदन योजना, महिला एवं बाल कल्याण, शिशु है ना, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय बेसिकली 1985 मंत्रालय अपडेट किया था 30 जनवरी 2006 को, है ना? और ये आया कब था राष्ट्रीय शिशु सदन योजना? 1975 को। जरा जवाब बताइए ऑप्शन का, कौन सा सही जाएगा? ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी वाला ऑप्शन? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही लग रहा है ना? जी सर, ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी यानी थर्ड। अभिकथन कारण नहीं, केवल स्टेटमेंट दिया, कारण नहीं है, कथन कथन है, कथन वन कथन टू स्टेटमेंट। पहला कहता है कि सामाजिक समूह कार्य का व्युत्क्रम प्रतिमान, व्युत्क्रम समझते हो? जितने लोगों ने बचपन में मैथ पढ़ा होगा तो हिंदी में व्युत्क्रम पढ़ा होगा या इंटरचेंज पढ़ा होगा, चिन्हों को बदल दिया जाता था। उल्टा सर, उल्टा, अपोजिट। हाँ बिल्कुल सही बात, शुद्ध हिंदी व्युत्क्रम उसी का। तो व्युत्क्रम प्रतिमान मुक्त व्यवस्था सिद्धांत मानवतावादी मनोविज्ञान और अस्तित्ववादी परिपेक्ष पर आधारित है। क्या बात है, सही लग रहा है? सही है कि सामाजिक समूह कार्य का व्युत्क्रम प्रतिमान मुक्त व्यवस्था का सिद्धांत दर्शाता है, मानवतावादी मनोविज्ञान को दर्शाता है, अस्तित्ववादी परिपेक्ष पर आधारित होता है। कारण यह है कि सामाजिक समूह कार्य का जो कितने लोग जानते हो व्युत्क्रम प्रतिमान, क्योंकि अगर ये पता होगा ना तभी इस सवाल का जवाब भी दे पाओगे आप लोग। चलो नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। ये जो व्युत्क्रम प्रतिमान यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, एक प्रकार से ये दर्शाता है कैसा मुक्त व्यवस्था का सिद्धांत दर्शाता है। बेसिकली देखिए मैं आपको बता दूँ, प्रतिमान का मतलब एक रचनात्मक, एक आलोचनात्मक, एक आधुनिकतावाद को रिलेट करता है जो आज के समय में चल रहा है। ये प्रतिमान होता है, जैसे रूल रेगुलेशंस, नियम मानदंड वगैरह क्या कहलाता है, प्रतिमान कहलाता है, ठीक है? और व्युत्क्रम तो उल्टा आप जानते ही हो। अब बात आती है कि मुक्त व्यवस्था का सिद्धांत, है ना, बात आपके सामने आती है कि मानवतावादी मनोविज्ञान का सिद्धांत, अस्तित्ववादी है अगर मैं बात करता हूँ परिपेक्ष, इन प्रक्रम सेरोन किर्कगार्ड का नाम आता है, इन्होंने कहा था कि यदि ईश्वर का अस्तित्व होता है तो वह संभवतः मनुष्य को अपनी योजना के अनुसार बनाता है, अपने अनुसार बनाता है। तो एक चिंतन है यहाँ पे, अस्तित्व की प्रकृति अलग अलग होती है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत होती है। तो यहाँ पे ना सामाजिक समूह कार्य में जो प्रतिमान है व्युत्क्रम का, उसके अंतर्गत जैसे कोई भी अगर मान लीजिए कोई मानदंड उल्टा चल रहा है समाज कार्य में, कोई असामाजिक व्यवहार चल रहा है, कोई रूल रेगुलेशंस, कोई कोड ऑफ एथिक्स, आचार संहिता वगैरह आपको अलग तरीके से फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो उसके प्रक्रिया में आपको वहाँ पर किस पर बेस्ड होना पड़ेगा, आप लोगों को
वो मुक्त व्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित होना पड़ेगा ताकि ये क्रिया जो है आपकी बेसिकली सक्षम हो सके या बेस्ड इस चीज़ों को बदला जा सके, ठीक है, अवांछनीय क्रियाओं को। मानवतावादी मनोविज्ञान और अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है और ये बात आपकी सत्य है, ये बात आपकी सत्य है। तो इस सवाल में ये स्टेटमेंट दिया गया था, यहाँ केवल एक शब्द जो रिलेट कराता था आपको, वो रिलेट कराता था व्युत्क्रम प्रतिमान। इसका मतलब है सामूहिक व्यवहार को समझने में सहायता करता और जहाँ तक समूह व्यवहार का विशिष्ट प्रकार है वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुक्त स्वरूपात्मक साधन के रूप में रिप्रेजेंट होना, वातावरण में परिवर्तन लाने के लिए अथवा सदस्य के अंतःवैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक संबंधों के संदर्भ में जो शब्द रिप्रेजेंट किया गया वो व्युत्क्रम प्रतिमान रिप्रेजेंट किया गया। और ये बात सत्य है, ये बात आपकी सत्य है। दूसरा कहता है सामाजिक समूह कार्य एक उपचारी प्रतिमान होता है, बात सही है। फिर कहता है कि सामाजिक अंतश्चेतना के क्रमादेशन और सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक परिवर्तन पर आधारित है। कहता है कि सामाजिक समूह कार्य जो होता है वो उपचारी प्रतिमान पर आधारित, उपचारी प्रतिमान रेडिकल आपका जो वैली महोदय क्या था उस शब्द को रिलेट करता है सामाजिक समूह कार्य में। फिर सामाजिक अंतश्चेतना के क्रमादेशन, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक परिवर्तन पर आधारित है। क्या सोशल ग्रुप वर्क किसी पर बेस्ड है? सोशल ग्रुप वर्क है। कितने लोग इससे इस बात से सहमत है भाई इसी पर आधारित? दोनों सही है सर। मुझे तो दूसरा वाला गलत लग रहा है। सहमत हूं सर। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए मैंने आपसे पहले भी बताया है कि सामाजिक समूह कार्य का जो उद्देश्य है समूह द्वारा व्यक्तियों में आत्मविकास, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्देशन का विकास करना होता है, ठीक है। और मैंने ये भी कहा है कि व्यक्तियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर प्रदान करने चाहिए, व्यक्तियों को समूह और समुदाय में समायोजित प्राप्त करने में सहायता उसकी करनी चाहिए, समाज के विकास के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करना चाहिए, मैंने ये भी बताया है। व्यक्तियों को अपने अधिकार और सीमाओं और योग्यताओं के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के अधिकार और योग्यताओं के अंतरों को पहचानने की सहायता भी करनी चाहिए। तो ये सब भी तो होना चाहिए, है कि नहीं? पहली बात। अब ये उपचारात्मक प्रतिमान, सामाजिक अंतश्चेतना के क्रमादेश और सामाजिक उत्तरदायित्व, ये तो सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में बताया जा रहा है, सामाजिक परिवर्तन पर आधारित। तो ये सभी कार्य जानते किस पर आधारित है? सामाजिक समूह कार्यकर्ता पर होना चाहिए। सामाजिक समूह कार्यकर्ता इसके आधार पर सामाजिक समूह कार्य में कार्य करेगा, ठीक है, इस पर कार्य करेगा। तो सामाजिक समूह कार्य का औपचारिक प्रतिमान और सामाजिक अंतश्चेतना क्रमादेशन और सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक परिवर्तन पर आधारित है। परिवर्तन वगैरह जो आधारित होता है वो विधि वगैरह पर आधारित होता है, मेथड वगैरह पर आधारित होता है, टेक्निक वगैरह पर, टूल्स वगैरह पर आधारित होता है। बदलना है कोई चीज़ तो टेक्निक पर आधारित होता है, ठीक है, उन चीज़ों पर बेस्ड होता है। यहाँ बेसिकली ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये सत्य नहीं है। तो इसी तरीके के पेपर में सवाल आएंगे और मुझे लग रहा है कि ये सवाल आप लोगों के लिए टफ रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ सवाल से केवल सुनिए, उपचारी प्रतिमान, सामाजिक अंतश्चेतना का क्रमादेशन, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक परिवर्तन पर आधारित है सामाजिक समूह कार्य। सामाजिक समूह कार्य बेसिकली बेस्ड मेथड, विधियाँ, टेक्निक, टूल्स इत्यादि वैज्ञानिक क्रमबद्धता वगैरह पर आधारित है, उस पर बेस्ड है। ये काम करने के तरीके हैं जो बताया जा रहा है, तरीका है ये। और तरीका यूज़ कौन करता है? कार्यकर्ता करता है। तो कार्यकर्ता का नाम होना चाहिए था, अगर कार्यकर्ता होता तो फिर सही होता ये ऑप्शन। समझ में बात आई? गलत है ये जी सर। तो सी वाले ऑप्शन को देखिए, ए सही है किंतु सेकंड गलत है, सी ऑप्शन सही है यानी थर्ड, ठीक है। परिकल्पना, देखिए यहाँ पे सवाल परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस, उपकल्पना, अभिकल्पना भी कहा जाता है। परीक्षण को निम्नलिखित चरणों को क्रमानुसार रखिए, परिकल्पना लो भाई क्रम से रखिए, क्रम से रखते हैं तो सबसे पहले परिकल्पना का निर्धारण करेंगे आप, है कि नहीं? पहला वाला ही सही चल रहा है। दूसरा वाला उपयुक्त सार्थकता स्तर, जाहिर सी बात है जैसे परिकल्पना निर्धारित हो गए तो उसकी उपयुक्तता का स्तर भी जानेंगे ना, कि शिक्षक शिक्षार्थी का शैक्षिक स्तर क्या है। शिक्षा अगर हम बात छात्र छात्राओं
या छात्र छात्रा के शैक्षणिक स्तर क्या है, तो वो स्तरों का निर्धारण हुआ। पहले आपने परिकल्पना निर्धारण किया, फिर उसके बाद आपने उसके स्तर को निर्धारण किया, यानी बी आपका होगा। फिर उसके बाद आपके सामने परिकल्पना मानदंड का निर्धारण, फिर रूल रेगुलेशंस नियम वगैरह आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे आगे देखते हैं, परिकल्पना करना, यानी सही है ए बी सी के बाद डी आ जाएगा, फिर निर्णय लेना लास्ट होता है। तो आप देखिए ए बी सी डी ई वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा, यहाँ पे सब क्रम में ही है ना, ठीक है। स्पेसिफिक द नल हाइपोथेसिस एक निर्दिष्ट करता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी निर्दिष्ट करता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बनती है इसके अंतर्गत, ठीक है। परंतु इसका सही जवाब जो जाएगा ए बी सी डी ई जाएगा, और ए बी सी डी ई ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही सही है, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सही क्रम को व्यवस्थित करना है आपको, सही क्रम व्यवस्थित करना है। सवाल थोड़ा आसान है, मैं एक बार इंग्लिश दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे। जरा यहाँ पर बताइए किस तरीके से आप इसको अरेंज करेंगे, अरेंज करिए भाई। मोटिवेशन सबसे पहले होना चाहिए कि नहीं, बताओ। इनमें तो सबसे पहले अभी ई ए बी सी डी, सबसे पहले तो अभी प्रेरणा ही होना चाहिए आपके सामने, ई वाला है ना। और मोटिवेशन के बाद आपके सामने क्या होना चाहिए, संदेश का संयोजन करना, मैसेज कंपोजिट करना होगा आपको, है कि नहीं, यानी ए। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप कूट, कोडिंग आता है, हमने पढ़ाया था कोडिंग के बारे में, उसके बाद आपका संदेश का कूट बनाना हो जाएगा, कोडिंग इनकोडिंग होता है ना, यानी आपका बी हो जाएगा, है कि नहीं। बी के बाद आपका क्या बनेगा, प्रसारण का माध्यम यानी मीडियम आपका बनेगा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस ही वही उसको मोटिवेशन थोड़ा सा एडिशनल है बस। हाँ, बस 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 समझ गया, यानी आपने क्वेश्चन समझ लिया, कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। फिर उसके बाद आपको क्या बोला है, अधिग्रहण करना यानी रिसीवर हो जाएगा, है ना, डी। तो देखिए किसी ऑप्शन में है, ई के ई शुरुआत में कर दिया, बाकी ए बी सी डी तो आई है, देख लीजिएगा जिस ऑप्शन में पहले में ई होगा और ए बी सी डी होगा तो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका, थर्ड वाला सही है। तो सबसे पहले सेंडर होगा, फिर आपका क्या होता है एनकोडिंग होगा, फिर मैसेज होगा, फिर चैनल होगा, फिर आपका रिसीवर होगा, फिर आपका डिकोडिंग होगा, और उसके बाद फीडबैक, फीडबैक ये बन जाएगा। अगला सवाल, डैश विशेषीकृत औसत है जो किसी अवधि के दौरान संबंधित चरों समूह में परिवर्तन का माप करने के लिए तैयार किया जाता है। आसान सवाल है, सूचकांक है ये, ऐसा काम सूचकांक में होता है, इंडेक्स में। तो इंडेक्स यानी सूचकांक एक विशेषीकृत औसत होता है, बात सत्य है ये, किसी अवधि के दौरान ना उससे संबंधित जो चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उन समूह में परिवर्तन को माप करने के लिए तैयार किया जाता है, उसको सूचकांक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और संख्या या डेटा के समूह में होने वाला परिवर्तन को गिनना या उन्हें संग्रह करने की एक सांख्यिकी पद्धति है, और यह डेटा किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है, बात सत्य है, वही सूचकांक कहलाता है, पहला सही है। संप्रेषण एक डैश है जहाँ कम से कम दो अननोन कारक सामान्य चिन्हों के समूह तथा सामान्य संकेत वैज्ञानिक नियमों को साझा करते हैं। आसान सवाल है, सामाजिक अननोन क्रिया सोशल एक प्रकार से इंटरेक्शन पार्ट है ये, और इस सवाल का सही ऑप्शन का चुनाव अगर आप करेंगे तो डी ही होगा, सामाजिक अननोन क्रिया ही होगा। और सोशल कोहेंशन शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर, और मैंने आपको इसके बारे में कई बार बताया है, ये कई बार ऑप्शन में आता है, इसका मतलब है सामाजिक एकता, अकेले रहने के बजाय एक समुदाय में रहना चाहिए, है ना, पसंद करते हैं ऐसे लोग। मानव समाज और उसके किसी भी उपखंड को जो है निरूपित करना या उससे संबंधित जो चीज़ें दर्शाता है उसको हम लोग कोहेंशन का नाम देते हैं, ठीक है। मुद्रा भंग गेस्चर वगैरह होता है ये तो अलग है, ये भी अलग पॉइंट बन जाएगा, यहाँ तो बेसिकली ऑप्शन नंबर केवल आपका जाएगा जो डी जाएगा, ठीक है। जी एस घुराई के बारे में देखो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, है ना, जी एस घुराई के नोट्स वगैरह भी दिया है। जी एस घुराई के अनुसार समाज में कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था को निरूपित करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहला तो आपको सही है, समाज को खंडी विभाजन के रूप में इसने डिवाइड किया है, बात सही है जी एस घुराई, गोविंद सदाशिव घुराई महोदय ने,
है कि नहीं। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ सामाजिक आदान प्रदान और खान पान पर पदानुक्रम जो है सामाजिक प्रतिबंध पर बात किया है, लेकिन यहाँ पर नागरिक और धार्मिक आहारता के बारे में जिक्र नहीं किया है, इसलिए आपका ए और सी होगा। ठीक है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया की किताब लिखा था सन 1932 में इन्होंने, और द शेड्यूल ट्रिब्यूज करके सन 1963 में एक किताब लिखा था, है ना, कास्ट एंड सिविलाइजेशन सन 1962 में लिखा था, एक 1962 में। ठीक है, तो ये तीन इसकी किताबें हैं, तो केवल ए और सी को देखिएगा। अच्छा, नीचे और भी देखते हैं, विवाह का व्यवसाय वर्ग, ये गलत है, ये भी है ये। ठीक है, तो आपका देखिए केवल ए और आपको ढूंढना है ए और सी। सर बी में। हाँ जी, बी का ही सही जवाब है, ऑप्शन आपका सेकेंड। अगला सवाल देखिए, भारत में नवजात शिशु द्वारा स्तनपान के बारे में बताइए, कौन सा कथन सही है, स्तनपान के बारे में बताना है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, कहता है स्तनपान करने में देरी की जाती है। भारत में नवजात शिशु के द्वारा स्तनपान कराने के बारे में स्टेटमेंट सही है क्या, भारत में ऐसा होता है स्तनपान कराने में देरी की जाती है? नहीं सर। अच्छा, नहीं अरे कॉमन सेंस लगाओ, स्तनपान करने में देरी की जाती है भारत में, नहीं की जाती, बात सत्य भाई, स्वीकार से सत्य हो जाएगा, सत्य है ये, है ना? जी सर। जी सर सत्य। माँ का पहला दूध अशुद्ध माना जाता है, बात तो सही है भाई, अशुद्ध होता नहीं होता माँ का पहला दूध सर, होता है, होता है, उसका स्तनपान नहीं कराया जाता है, ये बात भी सही है, सत्य है। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है 24 घंटे के भीतर स्तनपान और नवजात मृत्यु दर के बीच में व्युत्क्रम संबंध भी होता है, बात ये भी सत्य है, तीनों जी सर, तीनों सही, ए बी सी देखिए कहाँ पर है, ए बी सी ऑप्शन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 90 नंबर का सवाल सर, बट अब तो डॉक्टर पहले ही मतलब जैसे ही बेबी डिलीवर होता है ना उसके बाद ही स्तनपान करा देते हैं, डॉक्टर खुद अपने सामने कराते हैं। अच्छा जी, कोई कोई होगा होता होगा भी करा देता होगा, लेकिन माँ का पहला दूध जो होता है वो अशुद्ध माना जाता है, शुद्ध नहीं माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है उसको जो है दूध करवाया जाता है। ठीक है ना डॉक्टर, जब अशुद्ध माना जाते तो दूध मतलब डेयरी से पिलाना चाहिए, मतलब फिर तो सही बात है ये, कहा है कुछ बच्चे तो डेयरी का दूध पीते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ माँ के पास दूध नहीं बनता है तो उसके बच्चे क्या करते हैं, वही दूध पीते हैं। नहीं नहीं सर, डेयरी नहीं, डेयरी से जो पिलाते हैं। अच्छा अच्छा, डेयरी कह रहे हो, लेट, ओके, तो डेयरी से पिलाते तो है भारत में, ये कॉन्सेप्ट पूछा गया है ये आपसे, डेयरी जैसे क्या होता है, डेयरी का मतलब कॉमन सी बात ये है कि अगर मान लीजिए बच्चा रो रहा है चिल्ला रहा है कहीं पर भी, तो कुछ माताएं ऐसी भी हैं कुछ टाइम बाद दूध पिलाती हैं, उस समय थोड़ी पिलाती हैं, है ना, तो उसमें देरी करने की बात उस परिपेक्ष में लिया गया है, देरी का ये भी परिपेक्ष आप कह सकते हो कि डिलीवरी के टाइम दूध तुरंत नहीं पिलाता क्योंकि अशुद्ध दूध होता है, बाद में दूध पिलाते हैं उसको, तो इस रूप में भी आप कह सकते हो कि ये देरी यहाँ पर भी लिया गया है। ठीक है, सामुदायिक विकास का एक प्रमुख उपागम बताइए आपके सामने क्या होना चाहिए, मेजर अप्रोचेस टू द कम्युनिटी डेवलपमेंट, बाह्य बहु और आंतरिक, आपका सही है, पहला ही सही जाएगा, बाकी तो देख लीजिए, बाकी गलत है। पहला सही ऑप्शन है ना, यहाँ पर बाह्य कारक, बहुकारक और आंतरिक संसाधन सामुदायिक विकास है। अब इस महान भाव ने विशिष्ट विषय वस्तु, सामान्य विषय वस्तु, प्रक्रिया विषय वस्तु उपागम लगाया, इसने सामुदायिक संगठन सुन ली, समझ लिया क्वेश्चन को, सामुदायिक संगठन के उपागम समझ लिया इन बंदे ने, है कि नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड में, ये सवाल जो है सामुदायिक विकास की है तो ऑप्शन पहला सही होगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताइए। जी सर, ये आपका सही है, सामुदायिक विकास, इसीलिए कहता हूँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा क्वेश्चन के आंसर। तो आज आपका ये क्वेश्चन आभा पर अब समाप्त होता है। ठीक है, अब आपका ये गद्यांश वगैरह आ जाएंगे 2021 का, अब 2020 का हम लोग क्वेश्चन पेपर जो है कल वाली क्लास में जिक्र करेंगे। ठीक है, कल वाले 10 क्वेश्चन इसलिए नहीं बताता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसकी और मैंने इसके तरीका वगैरह बता रखा है। ठीक है ना, तो बस करिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी कल होगी,
कल दोपहर की 1 बजे वाली क्लास भी है आप सबकी, कल आपकी 7 to 2 PM वाली भी क्लास रहेगी, कल आपकी जो है 8:30 वाली भी क्लास रहेगी, मतलब क्लास सारी रहेगी, है ना, अपने निर्धारित समय पर, ठीक है। चलिए गुड नाइट।